हेलो गाइस, आईफोन अबाउट टू रिलीज द न्यू अपडेट ऑफ आईफोन 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स। हालांकि आप सब वेट कर रहे होंगे कब रिलीज हो रहा है, इसकी रिलीज डेट क्या है ना, तो इसकी डेट अपडेट आ चुकी है ना। हालांकि ये नेक्स्ट मंथ में ऑफिशियली अनाउंस होने वाला है डेट्स, सितंबर में, कि कब रिलीज होगी, इसकी डेट्स क्या होगी, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट इंडिया में रिलीज होगी, हालांकि नई ऑफिस खुली है चेन्नई में ना, असेंबल पार्ट्स वहां से आ रही है और फर्स्ट टाइम ये इंडिया में रिलीज होने की चांसेस हैं ना। पहले ये अक्सर फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज़ में रिलीज हो रही थी, पर फर्स्ट टाइम ये इंडिया में रिलीज होने वाले। तो इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, कितने कम में या फिर क्या प्राइजिंग में आपको आईफोन 12 मिल जाएगा मार्केट में, ओके, और क्या क्या नए फीचर्स इस फ़ोन के अंदर इंक्लूड होगी। आने में ये भी आ रहा है कि आईफोन 12 प्रो के अंदर, प्रो मैक्स के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और फेस डिटेक्शन तो आपको मिलता ही है ना। तो और भी बहुत अच्छे अच्छे नए नए फीचर्स आपको आईफोन 12 के साथ मिलने वाली है ना। और कैमरास कितने पिक्सल्स के होंगे और कितने कैमरास आपको मिल जाएंगे ना, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या फीचर्स होगी इसके अंदर और क्या प्राइजिंग हो सकती है इंडिया में इसके, ओके, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं आप, ये लुक है आईफोन 12 का, काफ़ी प्रीमियम लुक है इसका। और नॉच वाले डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है इसके साथ, और चार वेरिएंट में ये अवेलेबल है, आईफोन 12, आईफोन 12 मैक्स, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स, चार वेरिएंट अवेलेबल है इसके साथ। और बात करें इसकी प्राइजिंग की, तो ये चारों वेरिएंट की प्राइजिंग पड़ेगी आपको, आईफोन 12 की प्राइजिंग है 649 USD, जिसका प्राइस होगा 48,000 इंडिया में। और सेकंड वेरिएंट की बात करें तो इसकी प्राइस 55,000 पड़ेगी, थर्ड की 74,000 और फोर्थ की बात करें तो 81,000 में आपको मिलेगी ये फ़ोन ना। और फर्स्ट टाइम ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि चेन्नई से असेंबल पार्ट आ रही है और इंडिया में ये असेंबल करके ये वेरियंट आपको मिलेगा कम प्राइजिंग के साथ ना। काफ़ी अच्छा लुक है ये फ़ोन का। और डिस्प्ले टाइप की बात करें, 5.4 OLED डिस्प्ले मिल जाएगा और आईफोन 12 मैक्स में 6.1 OLED डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसका प्राइस होगा 40,000 से लेके 49,000 के करीब, जिसमें 128 GB स्टोरेज आपको मिल जाएगा। और बात करते हैं इसके लुक के बारे में, तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम लुक है इसकी, ग्लासी लुक मिल जाती है आपको इस फ़ोन के साथ और काफ़ी अच्छा दिखता है ये फ़ोन चार कैमरा के साथ। बीच में आपको फ्लैश लाइट मिल जाएगी और ग्लासी लुक और पॉलिशिंग काफ़ी अच्छी से की गई है ना। और नॉच की बात करें तो नॉच भी काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का, और बटन्स काफ़ी स्मूथ हैं, काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्सिव बटन्स हैं। और बहुत सारे कलर वेरिएंट में ही आपको मिल जाएगा, चार कलर वेरिएंट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि है ये चार कलर वेरिएंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ना। और साइज 1.26 का इसका थिकनेस है, डिस्प्ले साइज 5.4 इंच है आईफोन 12 का। सेकंड वेरिएंट की बात करें तो जिसका डिस्प्ले साइज 6.1 इंच मैक्स का मिल जाएगा, 6.1 इंच प्रो का मिल जाएगा और 6.7 इंच आपको प्रो मैक्स का मिल जाएगा। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, काफ़ी अच्छा साइज में आपको, बड़े साइज में भी ये अवेलेबल है। और एंड्रॉयड वर्सन भी काफ़ी अपडेट वाला आपको मिल जाएगा, iOS 14 का अपडेट मिल जाएगा इस फ़ोन के साथ। प्रोमोशन की बात करें तो 140 Hz का मिल जाएगा आपको प्रोमोशन, और सेकंड में आपको मिल जाएगा बोरिंग मोशन 60 Hz की। काफ़ी अच्छा दिखता है ये फ़ोन, आप इसे परचेज कर सकते हैं जैसे ही ये स्टॉक में अवेलेबल होगा। और प्रोमोशन में 120 Hz का डिस्प्ले क्वालिटी आपको मिल जाता है इस फ़ोन के साथ, और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इस फ़ोन के साथ इंक्लूड की गई है, काफ़ी यूनिक फीचर्स के साथ ये फ़ोन बनाया गया है। और ये नॉच वाले डिस्प्ले का साइज आप देख सकते हैं, और इस अच्छा iOS 14 का अपडेट आपको इस फ़ोन के साथ मिल जाएगा। और चार्जिंग की बात करते हैं, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी और साथ में आपको एडाप्टर ईयरपॉड्स नहीं मिलेगा ना, ये वायरलेस चार्जिंग के साथ ही आप फ़ोन चाहे तो आप एक्सटर्नली परचेज कर सकते हैं इसके
एयरपॉड्स या फिर वायर्ड चार्जर, और डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है और आप एक्सटर्नली परचेज कर सकते हो इसके केबल्स और एडाप्टर्स। और इसकी प्रोसेसर की बात करें तो एप्पल A14 बायोनिक प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिल जाएगी, जो कि आईफोन हमेशा यही प्रोसेसर यूज करता है। काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है ये एप्पल के, और ज़्यादातर फ़ोन में यही प्रोसेसर यूज होती है। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, आप इसमें इजीली कोई भी गेम रन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा है, वाइड लेंस यूज किया गया है इस फ़ोन के साथ, काफ़ी अच्छा दिखता है ये फ़ोन, जो कि आपको मिल जाएगा आईफोन 12 और 12 मैक्स के साथ। तो बात कर लेते हैं इसके चार कैमराज के बारे में, जिसमें आपको मिल जाएगा वाइड कैमरा, टेलीफोटो कैमरा आपको मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड कैमरा तीसरा मिल जाएगा, और लीडर स्कैनर कैमरा आपको चौथा मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा कैमरा है ना, हर टाइप के फ़ोटोज़ आप अच्छे से क्लिक कर पाएंगे। और एप्पल के सारे फ़ोन में ही सोनी लेंस यूज किया जाता है, इसमें भी सोनी लेंस यूज हुआ है, जो कि इस फ़ोन का कैमरा को क्वालिटी को और इम्प्रूव कर देता है। चार कैमरास के साथ ये फ़ोन का लुक काफ़ी अच्छा दिखता है, और नॉच वाले डिस्प्ले भी आपको इस फ़ोन के साथ मिल जाएगी। और फीचर्स तो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है इस फ़ोन का, काफ़ी लोग इस फ़ोन की वेट लंबे समय से कर रहे हैं, पर फाइनली इसका अनाउंसिंग डेट आ चुका है, सितंबर में वो अनाउंस करने वाले हैं इस फ़ोन के डेट। ये फ़ोन आपको चार कलर्स में अवेलेबल मिलेगी, जो कि है गोल्डन कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और ब्लू कलर में ये फ़ोन आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।